बिहार बोर्ड इंटर 11th एडमिशन के लिए जो भी छात्र ऑनलाइन अप्लाई किए थे, अब पहली मेल लिस्ट के तहत जो है वो आप यहाँ पे नामांकन के लिए तैयार हो जाइए। 29 मई से आपके स्कूल में जो है वो यहाँ पे एडमिशन होगा और 30 मई से आपके स्कूल में जो है वो मासिक परीक्षा जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। यानी 29 मई से एडमिशन और ठीक कल होकर आपका 30 मई से आपकी मासिक परीक्षा चलेगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है और किस स्कूल में आपको मासिक परीक्षा में सम्मिलित होना है, क्योंकि एक दिन का ही यहाँ पे मौका दिया गया है। एक दिन में एडमिशन और दूसरे दिन आपका जो है वो यहाँ पे मासिक परीक्षा जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसमें जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं वो उनका भी मासिक परीक्षा होगा, उनका भी एडमिशन होगा। जो CBSE वाले हैं उनका भी एडमिशन और उनका भी परीक्षा होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हैं। बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो आपका 29 मई से एडमिशन और 30 मई से परीक्षा के लिए नोटिस जारी की गई है। अब ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपको स्कूल में जाके एडमिशन लेना है, आज स्कूल जाके क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। बिहार बोर्ड ने नोटिस यहाँ पे साफ साफ जारी किया है कि जो भी छात्र 11वीं में एडमिशन लिए हैं वो अब जो है 30 मई से लेकर 8 जून तक जो है वो मासिक परीक्षा में शामिल होंगे। यानी 30 जून से लेकर 8 जून जो है मासिक परीक्षा चलेगी बिहार के सभी जिले में। अब देखेंगे किस स्कूल में एडमिशन लेना है और किस स्कूल में आपको जो है मासिक परीक्षा के लिए सम्मिलित होना है, उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप जहाँ से 10वीं पास किए हैं वहाँ अगर आपकी 11th की पढ़ाई हो रही है तो आपको उसी स्कूल में एडमिशन और उसी स्कूल में परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। लेकिन जो छात्र जहाँ से 10वीं पास किए हैं वहाँ पे अगर 11th की क्लास नहीं चलती है और जो है वो स्कूल चेंज कर रखे हैं तो उन्हें किस स्कूल में एडमिशन लेना है और उन्हें किस तरह से परीक्षा में शामिल होना है, इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, स्कूल में नाम कैसे देखना है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। देखिएगा यहाँ पे डेट भी जो है वो यहाँ पे भी जारी कर दिया गया है कि 30 मई से आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स की जो परीक्षा है 11th वालों की वो यहाँ पे शुरू हो रही है और सभी परीक्षार्थी जो भी एडमिशन लिए हैं उन्हें परीक्षा में हर हाल में शामिल होना है, जो कि आपकी परीक्षा जो है सभी विषय की 8 जून तक समाप्त हो जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-26 में 11वीं में जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन किए हैं उन्हें निर्धारित तिथि के अनुसार जो है वो अपने स्कूल में पहुँचना होगा और मासिक परीक्षा में शामिल होना होगा। अब देखेंगे एडमिशन किस तरह से लेना है और आपको परीक्षा में किस स्कूल में जाना है, ये यहाँ पे समझ लीजिए पूरी जानकारी। अभी तक शेयर नहीं किए तो फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नाम देखने के लिए। और यहाँ पे 29 मई से कैसे एडमिशन लेना है और किस तरह से मासिक परीक्षा में शामिल होना है सभी के लिए, मैं यहाँ पे सीधे नोटिस पे लेके जाऊंगा biharnotices.in, ध्यान से एकदम देख लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से आपको भी सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, ठीक है। वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करने के साथ ही एडमिशन पे जाएंगे और 11th एडमिशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब 11th एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आज का जो नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है 29 मई का वो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट और इंटीमेशन लेटर के लिए नोटिस यहाँ पे जारी की गई है, साथ ही साथ एग्जाम का नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है। सभी परीक्षार्थी ध्यान देंगे यहाँ पे कि बिहार बोर्ड में 11th एडमिशन के लिए यहाँ पे 11th की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंटीमेशन लेटर सभी जिलों के स्कूल में भेजा गया है और जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं उन्हें एडमिशन से अब 30 मई से 11th मंथली एग्जाम 2024 में शामिल होना होगा, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने नोटिस यहाँ पे जारी की है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे किस स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेना है, मेरिट लिस्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, उसके बाद इंटीमेशन लेटर कैसे डाउनलोड करना है, मेरिट लिस्ट में स्कूल का नाम कैसे देखेंगे, किस स्कूल में एडमिशन होगा वो कैसे जानेंगे, ठीक है। पसंद नहीं है तो पसंद अगर स्कूल नहीं है तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आपको स्कूल पसंद नहीं है तो आप 31 मई तक जो है वो अपना स्कूल जो है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे की ओर जाइएगा तो यहाँ पे सब कुछ आपको विस्तार में मिलेगा।
ठीक है, क्या कट ऑफ पे आपका मेरिट लिस्ट आ रहा है, कितना कट ऑफ पे आपका स्कूल जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का मैट्रिक में 300 नंबर है, तो क्या 300 नंबर पे स्कूल चेंज करने पे स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्कूल चेंज करते हैं तो आपका 300 नंबर है तो भी आपको स्कूल जो है नया यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट जो है वो भी यहाँ पे बताया गया है, ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास एडमिशन के लिए होने चाहिए। अब मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, किस स्कूल में जाकर एडमिशन लेना है, किस स्कूल में परीक्षा में शामिल होना है, वो यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बोला गया है मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद बोला गया है इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने के लिए, लिंक वन लिंक टू यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मंथली एग्जाम का रूटीन जो है वो भी यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए दिया गया है, स्कूल चेंज करने के लिए है, इलेवेंथ में ऑनलाइन अप्लाई के लिए है, इलेवेंथ मेरिट लिस्ट कटअप के लिए लिंक दिया गया है ना, और यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी है। तो ये लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे किसी तरह की हेल्प चाहिए तो। अब देखिए यहाँ से समझ लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पे रूटीन जो है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है इंटीमेशन लेटर के साथ। ठीक है, दोनों यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, इंटीमेशन लेटर भी और रूटीन भी। तो जब यहाँ पे रूटीन डाउनलोड करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा किस स्कूल में जाकर जो है वो आपको एग्ज़ाम देना है और किस स्कूल में जो है वो आपकी जो है परीक्षा ली जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो छात्र दसवीं में जहाँ से पढ़े थे वहाँ गर्मी की पढ़ाई चल रही है, तो आपको हर हाल में वहाँ पे एग्ज़ाम में सम्मिलित होना है। उसके लिए आज से आपको स्कूल पहुंचकर कंफर्मेशन जो है वो वहाँ पे ले लेना है, क्योंकि 30 मई से परीक्षा चल रही है। तो अगर आप दसवीं जहाँ से पास किए वहाँ इलेवेंथ जो है वो वहाँ पे चल रहा है, तो आप अपने स्कूल जाकर जो है वो एक बार कंफर्म जरूर हो लेंगे, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। खास करके वैसे छात्र जहाँ दसवीं और इलेवेंथ की पढ़ाई होती है और वहीं से वो दसवीं पास किए हैं, लेकिन वैसे छात्र जहाँ दसवीं तो पास कर लिए लेकिन इलेवेंथ की पढ़ाई नहीं होती है, और वैसे छात्र जो दूसरे बोर्ड से हैं सीबीएसई बोर्ड से हैं और यहाँ पे इलेवेंथ में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं, तो सीबीएसई बोर्ड से हैं अगर आप और इलेवेंथ में एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं होना है, क्योंकि अभी आपने एडमिशन नहीं लिया है। ठीक है, तो आपको परीक्षा में शामिल नहीं होना है। लेकिन जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें परीक्षा में हर हाल में शामिल होना होगा। इसके लिए आप अपने अपने स्कूल पहुँचें, और जहाँ इलेवेंथ की पढ़ाई नहीं होती है तो फिर भी जहाँ से आपने टेंथ पास किया है उस स्कूल में जाकर आपको कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस में साफ साफ मेंशन है। तो जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पे मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। हर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उन्हें परीक्षा में हर हाल में शामिल होना होगा। इसके लिए आप अपने अपने स्कूल पहुँचें, और जहाँ इलेवेंथ की पढ़ाई नहीं होती है तो फिर भी जहाँ से आपने टेंथ पास किया है उस स्कूल में जाकर आपको कंफर्मेशन जो है वो यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, क्योंकि नोटिस में साफ साफ मेंशन है। तो जो भी अपडेट आती है सबसे पहले इस चैनल पे मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके घर से स्कूल की दूरी कितनी है और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, किसी प्रकार की मदद के लिए ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे।